सुनिए, अब यहां से मैं बात कर रहा हूं जो हम क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर पढ़ रहे थे, इसमें अगर हम रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन की बात करें, ठीक है? जी जी जी, ठीक ठीक ठीक, ओके। अब देखो, जैसे हम लोग रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन की बात करें, आज का टॉपिक जो हमारे पास है, ठीक है, क्लिस्ट्रॉन टू कैविटी तो मैंने बता दिया। अब रिफ्लेक्स का क्लिस्ट्रॉन का क्या मतलब है? तो पहली लाइन, इट इज ए सिंगल कैविटी क्लिस्ट्रॉन। ये एक सिंगल कैविटी क्लिस्ट्रॉन होगा, इट इज ए सिंगल कैविटी इलेक्ट्रॉन। सॉरी, सिंगल कैविटी क्लिस्ट्रॉन। बहुत जल्दी समराइज हो जाएगा ये। देखो, उसमें क्या था, टू कैविटी में दो कैविटी थी, बंचर और कैचर, राइट? यहां एक ही कैविटी है और बस बंचिंग कराते हैं, मेरी बात क्लियर है? यहां ओनली वन कैविटी। वहां क्या था, टू कैविटी, बंचर और कैचर दोनों कैविटी थी, यहां केवल बंचर है। तो बंचिंग कैसे कराते? नहीं, बंचिंग यहां होती, घूम कर होती है, थोड़ा बस समझ जाओगे, बहुत आसान है। देखो प्रॉब्लम क्या है, ये क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर नहीं है, ये वाला क्लिस्ट्रॉन ऑक्सीलेटर की तरह काम करता है। और ऑक्सीलेटर में क्या होता है, दोलन, और दोलित की तरह काम करने के लिए नो इनपुट पर काम करना चाहिए, विदाउट इनपुट भी काम करना चाहिए, एक बार इनपुट गया और बस पर काम करते रहना चाहिए फीडबैक पर। बार्कसन क्राइटेरिया था ना एनालॉग में ऑक्सीलेटर के लिए। हाँ, तो देखो, जैसे रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन की मैं जनरल बात करूं, तो एक फिगर, एक डायग्राम ऐसे ही बना लेते हैं समझाने वाला, बहुत टिपिकल डायग्राम नहीं, सिंपल डायग्राम से हम लोग चीजों को समझेंगे। तो ये मान लो ये कोई इलेक्ट्रॉन गन है और अब देखो क्या हो रहा है, मैं पहले ये डायग्राम थोड़ा सा और बन जाए बस। देखो, ये वी नोड है, ये वी आर है, इसको रिपलर बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन गन है, ये कैथोड की तरह बिहेव करता है,
ये एनोड की तरह काम करता है। बना लो एक बार इसको, बड़ा डालो इसको डायग्राम को, फिर समझाता हूं सब कुछ। सबने देखो, अब बेसिकली क्या होता है, ये एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है, मैंने आपको एक रफ आइडिया के लिए बनाया, ये ऑब्जेक्टिव पर्पज के लिए। पहली बात ध्यान से सुने, अब क्या हो रहा है, यहां से ये कैथोड टर्मिनल है जहां इलेक्ट्रॉन गन है, राइट। इलेक्ट्रॉन गन को कैसा पोटेंशियल चाहिए, निगेटिव। तो ये निगेटिव पोटेंशियल है जो यहां क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करेगा, थर्मोआयनिक एमिशन कराएगा, रिपल कराएगा। उत्सर्जित कराते समय इलेक्ट्रॉन यहां चलेगा और यहां बेसिकली एक एसी सोर्स है, राइट। आरएफ सिग्नल यहां प्रोवाइडेड है। अब ये जो आरएफ सिग्नल प्रोवाइडेड है, ये हमने दिखाया नहीं है, बेसिकली यहां पर एक क्या प्रोवाइडेड अपने पास, आरएफ सिग्नल। ये जो आरएफ सिग्नल प्रोवाइडेड है, ये आरएफ सिग्नल इस डीसी के साथ इंटरेक्शन यहां पर देगा, राइट, क्लियर। और इसका एक पोर्शन, इस वाले पॉजिटिव का एक पोर्शन यहां कनेक्ट है, राइट। यही पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स के लिए रिटर्निंग पाथ बनाता है, राइट। कैसे बनाता है मैं आपको समझाता हूं। मैंने ध्यान देना, ये दोनों पाथ अलग अलग नहीं दिखाए। एक्चुअल में क्या होता है, आरएफ सिग्नल के लिए ये पार्ट अलग होता है और ये वाला पार्ट यहां कनेक्ट होता है, जिसको आप एनोड बोलते हैं, राइट। अब होता क्या है, ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे अगर जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे यहां पहुंचेगा, राइट। अब यहां वहां क्या था, टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन में ये घर था आपका, यहां से क्लासरूम जाना था, यहां घर है ही नहीं, क्लासरूम है, सीधे क्लासरूम है। अब सीधे क्लासरूम है तो इलेक्ट्रॉन का इंट्रैक्शन कैसे कराएं, इलेक्ट्रॉन का इंट्रैक्शन कराते समय कहानी को ट्विस्ट किया हमने, नीचे से एक रिवर्स सिग्नल अप्लाई किया, मतलब एक निगेटिव सिग्नल अप्लाई किया। और ये जो सिग्नल का निगेटिव पोटेंशियल है, बताओ इलेक्ट्रॉन चल रहा है, चलते समय अगर इसको निगेटिव पोटेंशियल मिलेगा तो कैसे, रिपलर कहेंगे या नहीं, प्रतिकर्षण करने वाला।
अब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा और इसको प्रतिकर्षण मिलेगा यहां से, तो क्या इलेक्ट्रॉन घूम नहीं जाएगा? तो बताओ क्या रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन में रिफ्लेक्ट होते हुए इलेक्ट्रॉन पीछे आएगा या नहीं? बोलो, इलेक्ट्रॉन यहां से बैक आएगा तो क्या यहां राउंड ट्रिप होगी इसकी या नहीं? वहां राउंड ट्रिप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो इलेक्ट्रॉन चलने के बाद वापस आना चाहिए, राइट? अब चलने के बाद कितना घुमावले, राइट? कितना घुमावले ये भी समझना होगा, कौन सा तेज चले कौन सा धीमा चले, फिर वही कहानी। चलते समय तो नहीं पता ना कौन सा इलेक्ट्रॉन कहां, तो यहां भी कहानी क्या होगी, एक इलेक्ट्रॉन लेट होगा, एक अर्ली होगा और एक रेफरेंस होगा, राइट? लेकिन तीनों को पहुंचना एक साथ है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो कोई इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा, कोई लेट निकलेगा और कोई टाइम पे निकलेगा। तीन तरह के इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ईई अर्ली, एक रेफरेंस और एक लेट। बताओ तीनों इलेक्ट्रॉन में कौन सा तेज चलने की कोशिश में है? पहले वाला, पहले स्क्रीन में आओ, सब कैमरा ओपन करो, दिखाई तो दे। राइट, हाँ, मेरी बातों को समझना या मैं डायग्राम को और क्लियर कर ही दूं, आप हटाना नहीं, मैं आपको जस्ट क्लियर करके बता रहा हूं, थोड़ा सा मेरे लिए बेटर हो जाएगा, नहीं तो आप लोगों को कुछ अंडरस्टैंडिंग इशू ना आए। देखो बेसिकली क्या होता है, ये जो पार्ट है अपने पास, यहां एक एसी सिग्नल लगा है, आरएफ सिग्नल, ठीक। अब क्या हो रहा है, और ये जो वी नॉट है इसका पॉजिटिव पोटेंशियल यहां कनेक्ट है, राइट? अब जरा फील करना, ये जो कैथोड वाले इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से चलकर यहां से चलकर यहां से चलकर यहां से चलकर ऐसे जाने चाहते हैं, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, यहां पहुंचेंगे। अभी ये वाली जो प्लेट है, ये वाला प्लेट वाला वर्जन इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला नहीं है, अभी ये इलेक्ट्रॉन को तभी खींचेगा, राइट? ये इलेक्ट्रॉन पर पोटेंशियल तभी बनाएगा जब इलेक्ट्रॉन घूमने के बाद स्लो हो चुका होगा। पहले तेजी में इलेक्ट्रॉन फास्ट यही जाएगा, राइट? तो इलेक्ट्रॉन जब यहां से चल रहा है तो चलते समय इलेक्ट्रॉन को यहां रिपल्सन मिल रहा है, बोलो हाँ या ना? नीचे निगेटिव लगा है, अगर निगेटिव लगा है तो मुझे बताओ क्या इलेक्ट्रॉन ये रिपल होगा या नहीं? तीन बातों को जरा ध्यान रखो, अर्ली इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन रेफरेंस इलेक्ट्रॉन है और एक लेट इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ क्लासरूम में पहुंचाना तीनों को सेम टाइम है आउटपुट पर, तो बताओ ये जो रीइंट्रेंट कैविटी है, तीनों को सेम टाइम पर पहुंचाने के लिए, वापस सेम टाइम पर लाने के लिए क्या करें? सेम टाइम पर लाने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो, सेम टाइम पर लाने का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहा है इसकी वेलोसिटी कम कर दो, मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूं, जैसे तीन इलेक्ट्रॉन थे अपने पास, एक अपने पास ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ईई, या मैं ये समझ पा रहे हो, ये अर्ली इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको घुमाव ज्यादा दे दें, अगर इसको घुमाव ज्यादा दे दें तो ये घूमकर जब वापस आएगा, देखो इधर, इसको घुमाते समय कितने का पाथ दे दिया, 5 किलोमीटर स्पीड, मतलब इसकी 5 किलोमीटर कर दी, ये इतना घूम कर आएगा, राइट? रेफरेंस इलेक्ट्रॉन जो आएगा ये इतने पर घूमेगा, और ये जो लेट इलेक्ट्रॉन है
राइट, ये जल्दी घूम कर आ जाएगा। अब मुझे बताओ, अर्ली इलेक्ट्रॉन का रास्ता लंबा हो जाएगा, बोलो, अर्ली इलेक्ट्रॉन ज्यादा लंबा सफर करके आएगा तो क्या इसका जर्नी टाइम ज्यादा होगा या नहीं? ये वाला रिफरेंस इलेक्ट्रॉन उतना ही होगा, मान लो ये 3 किलोमीटर और इसको केवल 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर, तो बताओ लेट इलेक्ट्रॉन यहां से पहले ही घूम जाएगा, ये वाला आगे जाकर घूमेगा और अर्ली इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा आकर घूमेगा, इससे ज्यादा नहीं, अरे 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 इधर इधर इधर, इतना नहीं कि इससे टकरा जाए, उससे पहले घूम जाए, ठीक है, टकराएगा नहीं, फिर तो स्क्रीन हिट होने लगेगी, टकराने से पहले की बात है, बात समझ पा रहे हैं? तो बताओ यहां इन तीनों इलेक्ट्रॉनों में क्या रिलेशन है? क्या मैं कह सकता हूं अर्ली इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज्यादा है रेफरेंस इलेक्ट्रॉन से? रेफरेंस, एक मिनट, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी नॉर्मल है और ये जो लेट इलेक्ट्रॉन है, इस लेट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम है वी से, और ये वी है क्या? याद करिए, वेलोसिटी का एक फार्मूला पढ़ाया था, अंडर रूट 2qv0/m, कहां से आया ये मत पूछना, बता चुका, काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी से। तो बताओ क्या यहां जो कॉन्सेप्ट है और वहां जो कॉन्सेप्ट है दोनों में अंतर है? रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन घूम कर आता है, राइट, लेकिन क्या आते हुए तीनों इलेक्ट्रॉन को एक साथ होना चाहिए? बोलो, तो क्या बंचिंग जो इनकी हो रही है वो तीनों की एक साथ है या नहीं? राइट, बनाओ जरा इसको। पूछ लेता है रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन में कौन सा ज्यादा जर्नी टाइम लेगा, हो गया? चलो देखो जरा, ये जो वोल्टेज नीचे लगा है रिवर्स वोल्टेज, इसे रिपलर वोल्टेज बोलते हैं, वीआर, ये लगा है यहां इस स्क्रीन पर, राइट, रिपल कराएगा प्रतिकर्षण, और ये वाला जो वोल्टेज है ये कैथोड पर निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेगा, और यहां जो आरएफ सिग्नल है उसमें ये इलेक्ट्रॉन वापस आएगा। अब इन इलेक्ट्रॉन्स का इंट्रैक्शन होना है किसके साथ? आरएफ सिग्नल के साथ, इसके थ्रू यहां आउटपुट जाना है, राइट, समझ पा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का इंट्रैक्शन कब है? इलेक्ट्रॉन का इंट्रैक्शन तब है जब इलेक्ट्रॉन घूम कर आता है इस एनोड के पास, तब इस आरएफ सिग्नल से इसका इंट्रैक्शन है। तो बताओ इलेक्ट्रॉन का इंट्रैक्शन जाते समय है फॉरवर्ड पाथ में या वापस आते समय? इलेक्ट्रॉन का इंट्रैक्शन कब है, फॉरवर्ड में जाते समय या वापस आते समय, उल्टा आते समय? और आपको पता है यहां पर देखो,
पिछले वाले को याद करो, जैसे मैक्सिमम जो बंचिंग थी आप सब जानते हो, सॉरी मैक्सिमम बंचिंग पिछले में पढ़ा चुका हूं, बस जस्ट इलोबरेट कर रहा हूं। मैक्सिमम बंचिंग विल टेक्स प्लेस इन री इंट्रेंट कैविटी गैप, राइट। अब जरा देखो, वेलोसिटी कैसे बढ़ जाती है कैसे घट जाती है, देखो इधर देखो, आरएफ सिग्नल एक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो दोनों बात मैं बताता हूं। पहले इस बात को समझना, जब इलेक्ट्रॉन, एक मिनट सब लोग लिखना बंद करो, सुनो क्वेश्चन ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब यहां से जा रहा था ठीक है, तो ट्रेवलिंग के टाइम पर इलेक्ट्रॉन इस आरएफ सिग्नल से इंट्रैक्शन पर है, लेकिन तब इलेक्ट्रॉन जब इंट्रैक्ट होगा तो स्पीड चेंज करेगा। अब स्पीड चेंज करते समय क्या कहानी है जरा समझो, आरएफ सिग्नल, देखो इधर तीन चीजें हैं आपको खुद समझ में आ जाएगा, देखो इधर मुझे बताओ, इधर देखो अर्ली और ये सब समझ में आएगा ना, इलेक्ट्रॉन जब इस फेज में होगा और जब अपनी इस पोजीशन में होगा और जब अपनी इस पोजीशन में होगा क्या होगा, क्या इस पोजीशन का मतलब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में वीएम जुड़ेगा, क्या ये अर्ली वाले के लिए नहीं होगी? जब इलेक्ट्रॉन अपनी इस पोजीशन पर होगा तब उसकी वेलोसिटी में जीरो जुड़ेगा, और जब इलेक्ट्रॉन अपनी इस पोजीशन में होगा तब उसमें वी माइनस वी एम होगा। क्या तीन तरह के इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, एक अर्ली, एक रेफरेंस और एक लेट? अरे हो रहा है नहीं हो रहा, ये कहां से हो रहा है दिख रहा है, राइट? अर्ली, रेफरेंस और लेट, इस पोजीशन का इलेक्ट्रॉन जब इंट्रैक्शन होगा तो वो कैसा होगा, रेफरेंस, इस पोजीशन वाला अर्ली, इस पोजीशन वाला लेट। इलेक्ट्रॉन बीम जब जाएगी तो वो इंट्रैक्ट करते समय पहले ई ई आर और ई एल बनाएगी। पूजा बात क्लियर हो रही है, राइट? हां अब जरा समझो, ये तो जाते समय का इंट्रैक्शन है, तो जाते समय के इंट्रैक्शन से हमारी जरूरत नहीं है, हमारे इंट्रैक्शन की नीड कब है, जब ये इलेक्ट्रॉन लौट कर आएंगे। जाते समय हमें इंट्रैक्शन से मतलब है क्या? तो ये इलेक्ट्रॉन जब लौट कर आएंगे तो क्या ये तीनों इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पर एक समय पर होंगे या नहीं? और जब तीनों इलेक्ट्रॉन एक पोजीशन पर होंगे तभी तो हमें आउटपुट चाहिए, तभी तो मैक्सिमम आउटपुट बनेगा। तीनों इलेक्ट्रॉन एक साथ चाहिए या अलग अलग? एक साथ। वही मैंने लिखवाया है, मैक्सिमम बंचिंग विल टेक्स प्लेस इन द री इंट्रेंट कैविटी गैप। री इंट्रेंट कैविटी गैप में अब मैक्सिमम बंचिंग होगी जब तीनों इलेक्ट्रॉन एक साथ, राइट?
ये अलग अलग ग्राफ बताऊं या समझ गए? अच्छा ये बताओ, हो गया यहां तक? यहां तक हो गया है? बराबर बस एक एप्पल गेट डायग्राम बनता है, बहुत आसान होता है, बता देता हूं। क्लियर? अब देखो, अब बस एक लाइन में सारे आंसर को समझ लेना। ये बताओ मुझे, मुझे कौन सा इलेक्ट्रॉन काम का है? एक मिनट, जैसे ग्राफ है, अब जब आरएफ सिग्नल वापस आ रहा है, जाते समय नहीं, वापस आते समय, तो बताओ वापस आते समय रिटर्निंग पर जब आ रहा है, तो ये जो मेरे पास ग्राफ है इसमें हम कौन सा चाहते थे काम का? रिटार्ड वाला इलेक्ट्रॉन, मतलब रिटार्डेशन पॉइंट चाहते थे, या एम्प्लीफिकेशन पॉइंट? रिटार्डेशन। और रिटार्डेशन होता कौन सा था नीचे वाले? बोलो, पढ़ा चुका हूं टू कैविटी में। राइट, ये वाला पॉइंट, 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 और ये वाला। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट। लेकिन आप सोचो, क्या जब इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा वापस, तो वापस आते समय के लिए क्या ये रिटार्डेशन पॉइंट उल्टे नहीं हो जाएंगे, ऊपर वाले नहीं हो जाएंगे? क्योंकि ये कैसा है, बैक बैक ट्रेवलिंग बैक। अगर ये जर्नी बैक हो करा रहे हैं तो हम किन पॉइंट्स को यहां सर्च आउट करेंगे बताओ? क्या हमारे लिए इस समय जो काम के पॉइंट्स होंगे वो ये होंगे? छोटा बन गया है, सॉरी बड़ा बन गया है, इसको हटाकर मैं ऐसा बोल दूं। देखो मैं क्या कह रहा हूं, जैसे ये था, अब इसमें हमारे पास जो पॉइंट बने, राइट, उन पॉइंट को जरा फील करो। ये वन पोजीशन है, ये थ्री, ये फाइव, ये सेवन, नीचे वाला वही होगा टू फोर, क्या बोलते हैं इसको, फोर सिक्स एट एंड सो ऑन। अब मुझे ये बताओ, जैसे अगर जो हमारे पास कलेक्ट होना है, जो आरएफ पर जाना है आउटपुट पर, आप बताओ ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, इसके बारे में आप मुझे इंफॉर्मेशन दो, ये कौन सा है? पहला वाला, क्या ये अर्ली है या नहीं? क्या ये वाला इलेक्ट्रॉन रेफरेंस है या नहीं?
और क्या नीचे वाला लेट इलेक्ट्रॉन है या नहीं। तो बताइए अर्ली वाला इलेक्ट्रॉन यहां होगा, रेफरेंस वाला यहां होगा और लेट वाला यहां होगा। अब इन तीनों को अगर पीक पॉइंट पर पहुंचना है तो मैं एक मिनट ज्यादा दूर बना दी मैंने, राइट, इन तीनों को मैं तीन नंबर दिखाऊंगा तो ज्यादा पास हो जाएगा, मैं यहां तक दिखा देता हूं पांच नंबर। तो पांच नंबर पर पहुंचते समय अब आप डायग्राम को जरा समझना, जब ये कलेक्ट हो रहे हैं, अब मुझे बताइए कलेक्ट होते समय ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है लेट वाला ये लाइक दिस पहुंचेगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है रेफरेंस वाला ये लाइक दिस पहुंचेगा, और क्या जो अर्ली इलेक्ट्रॉन है इसको सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला है ट्रांजिट में। अब आप ये बताओ अगर सेब खाते हैं एप्पल खाते हैं, एप्पल खाते समय अगर हम नाइफ से पीसेस को निकालें तो क्या एप्पल के पीसेज ऐसे ही निकल कर आते हैं। तो इसी को नाम दिया गया, और समझना जब जब एप्पल के पीस निकाले जाएंगे तो क्या दरवाजा बनेगा एप्पल में जाने के लिए, एप्पल के इनसाइड पहुंचने के लिए। इसे एक नाम दिया गया टेक्निकली एप्पल गेट डायग्राम। और इन तीनों को देखकर अब हम बता सकते हैं कि ये अर्ली वाले के लिए था, ये रेफरेंस वाले के लिए था और ये लेट वाले के लिए, राइट। और अब जब तीनों एक टाइम पर पहुंच जाएंगे तो हमारे पास मैक्सिमम आउटपुट हम अचीव करेंगे। बताओ यहां रिवर्स पाथ आ रहा है, राइट, बना लीजिए एक बार। अच्छा ये समझ में आ रहा है सबको कि उल्टा क्यों हो रहा है यहां, रिटार्डेशन पॉइंट ऊपर क्यों है, क्योंकि बैक घूम कर आ रहा है, राइट। इसलिए मैंने आपको अब सोचा कि ये प्रॉपर क्लियरिटी में आना चाहिए। किताब से सर कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो किताब से आएगा भी नहीं, किताब किताब से मत पढ़ो, बता दिया मैंने, जो मैं बता रहा हूं सब यही दिख जाएगा, ठीक है। अगर आप आधे घंटे भी एक घंटे भी सीरियस होकर इसको देख लोगे तो की चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है यहां तक, क्लियर है यहां तक। अच्छा मोड, जैसे मोड ऑपरेशन की बात करें तो बताओ, जैसे यहां से मैं रेफरेंस को देखूं, क्योंकि रेफरेंस से पहला पी यहां तक की दूरी 3/4 होगी या फिर से या नहीं, और अगर मैं सेकंड पीक तक जाऊं पांच नंबर तक तो क्या इसकी दूरी 1:3/4 होगी, और क्या अगर मैं सात नंबर तक इसको लेकर जाऊं तो बताओ सात नंबर तक इसकी दूरी 2:3/4 होगी या नहीं। ऑब्जेक्टिव में जब क्वेश्चन आता है तो जनरल फार्मूला इसका क्या बनता है, मोड ऑफ ऑपरेशन का n+1/4, कुछ किताबों में स्मॉल n+1/4,
मोड ऑफ ऑपरेशन का शॉर्टकट फॉर्मूला, राइट, दोनों में सेम होता है। राइट, कंप्लीट है सभी का? अरे सॉरी, प्लस नहीं, सॉरी सॉरी, माइनस, एन माइनस होगा ना, नॉट प्लस, दैट इज माइनस, राइट, करेक्ट। एन का मान रख सकते हो एक दो तीन जो भी, डॉट डॉट, दिस इज कॉल्ड मोड ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, हो गया कंप्लीट? ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, आज थोड़ा जूम में प्रॉब्लम है, कल यहीं से मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है, चलो ओके, कल यहीं से स्टार्ट करेंगे, इसको एक बार देख लेना आप लोग, ठीक है, ओके, बाय बाय, गुड नाइट।